का बर्थडे था, तो आप मेरा वॉइस भी देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा ख़राब ख़राब सुनाई दे रहा होगा। थ्रॉट इन्फेक्शन हो चुका है, मुबारक हो मुझे, क्योंकि अक्सर मुझे हो ही जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है, और इस समय विंटर सीजन चल रहा है तो ये सब होना ही है। और ये छोटे सा बेबी है इनका, तो वैसे तो इनके दो बच्चे हैं, तो बड़े वाले बेटे का बर्थडे था तो हमें तो कन्फ्यूज़न था कि किसका है, तो पहले तो सोच रहे थे कि क्या गिफ्ट लें, और किसी से पूछना ना थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ आपके कौन से बेटे का बर्थडे है। तो उन्होंने कहा था बर्थडे सेलिब्रेशन है, बस इतना ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो हम एनवलप देंगे जो मतलब दोनों के काम आ सकता है, चाहे छोटा बेटा हो चाहे बड़ा बेटा हो। गिफ्ट सेलेक्ट करने में तो टाइम भी लग सकता है और कन्फ्यूज़न था, तो कुछ भी इधर उधर हो सकता था, इस वजह से हम लोगों ने उनके बड़े बेटे के लिए एनवलप ही मतलब हम लोगों को ठीक लगा वही दे दिया, जो भी होगा अपनी पसंद से ले सकते हैं। आप यहाँ सब देख रहे हो केक कटिंग हो गई है, और केक कटिंग से पहले ना हम लोगों को होता है आशीर्वाद के लिए, उनकी अपनी ब्लेसिंग देने के लिए ना हम लोग सब पहुँच गए थे। पहले तिलक किया बाबू को, और बाबू को तिलक करने के बाद छोटा सा बच्चा ही है, किसी का भी हो छोटा सा बच्चे को बाबू भी बोला जाता है, तो बस उसको फटाफट से मैं खिला पिला रही हूँ, और एक मतलब ये होता है कि हाँ थोड़ा सा मुँह मीठा करना चाहिए। तो बस अब आ गए हैं मिस्टर इंडिया, वो भी उसको बर्थडे विश करेंगे केक वगैरह खिला के, और एक फ़ोटो तो होनी चाहिए, और हम दोनों की एक फ़ोटो हो गई। और देखिए सिद्धि को देखिए, जो एक्सप्रेशन जो मतलब इंडिकेट हम करेंगे ना उसको, वो इसी तरह से हमें देखते हुए कार्बन कॉपी करती रहती है हर चीज़, वो भी एक्शन किया उसने सेम सेम। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि ना इतने सारे बच्चे आ रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। अभी आप देखोगे कि ना इतने सारे लोग मतलब गैदरिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है ना स्टाफ को इनवाइट करते हो तो, और उसके खुद के भी पर्सनल फ्रेंड्स आए हुए थे, जो भी उसके अपने क्लासमेट्स थे या फिर कुछ नेबर्स वाले फ्रेंड्स थे उनको भी बुलाया हुआ था उन लोगों ने। तो सब बच्चे यहाँ पर ना वन बाय वन डांसिंग चल रहा था तो वही कर रहे थे। और अभी मैंने मतलब जो वॉइस ओवर मैं इसलिए करी क्योंकि अगर डांस का डाला तो फिर आप जानते हो कॉपीराइट आ जाएगा म्यूज़िक ऑन होते ही, तो विदाउट म्यूज़िक आप देख लीजिए। और अभी मैं देखूंगी अगर सिलेक्शन होगा तो उस तरह से ना वॉइस को चेंज करके डाल दूंगी थोड़ा बहुत। और इतना इन्जॉय किया ना हमने फर्स्ट टाइम, मतलब स्टाफ में इतना सब लोगों ने खुल के इन्जॉय करा और बहुत मज़ा आया। और कुछ ट्रेंडिंग सॉन्ग्स थे जो आजकल ट्रेंड में हैं, उनको भी हम लोगों ने रील्स के लिए ट्राई किया था, देखते हैं कौन कितना अच्छा कर पाता है। तो आप यहाँ देख रहे हो सिद्धि ने बहुत प्यारा डांस करा गुलाबी शरारा पे, तो उसको गिफ्ट में जिनके बेटे का बर्थडे था और रेड साड़ी में है उनकी मम्मा, तो उन्होंने गिफ्ट में उसको ना कुछ मतलब जो भी मतलब उनको रिवॉर्ड देना था वो दिया, और सिद्धि इतनी खुश थी। और ये ना मेरे इयर रिंग्स ना बार बार ना मेरे बालों में ना थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहे थे, होता है ना लेंदी होते हैं तो बालों में थोड़ा सा वो दिक्कत करते हैं। तो बस आप मेरी साड़ी देख रहे हो कलर कितना अच्छा सा कलर खुल के आ रहा है। और ये इस छोटी सी बेटी का भी डांस देखिए, इनका नाम है जाना, और ये भी कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हम सब लोगों का यही था कि पहले बच्चों को मतलब पार्टिसिपेट कराते हैं, कुछ ना कुछ डांस वगैरह कराते हैं, फिर अपनी लोगों की मस्ती करेंगे। तो ना फुल इन्जॉय के मूड में हम सब गए थे। और मेन क्या होता है ना, नेक्स्ट डे अगर छुट्टी मिल जाती है, जैसे सैटरडे आपका कोई फंक्शन है आप अटेंड करते हो और नेक्स्ट डे आपका संडे होता है, तो जितने भी बैंकर्स होते हैं वो सब ना रिलीफ होते हैं, उन्हें इतना रिलैक्स फील होता है ना, चाहे 12 बजे तक उन्हें बिठाया रहो, तो लेट हो ही गया था, हम लोग 11:30 बजे घर पहुँचे थे, सबने खूब इन्जॉय करा। तो आप समझ गए होंगे ये वाला जो म्यूज़िक है आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कौन कौन क्या क्या इन्जॉय करेगा, अभी देखिए आप सब। तो यहाँ पर ट्रेंडिंग सॉन्ग आपका समझ में आ गया होगा, वैसे तो ये म्यूज़िक है, और यहाँ पर एनिमल मूवी का जो ट्रेंडिंग वाला सॉन्ग है ना इतना अच्छा, मतलब सब लोगों का ये था कि आज हम लोग ना उसको ट्राई करेंगे, सॉन्ग के साथ साथ ना एक चैलेंज है ये। तो यहाँ पर मिस इंडिया ने भी वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, सभी बैंकर्स जितने थे सब लोगों ने किया। और फिर पहले तो हम लोगों ने सोचा जेंट्स डिपार्टमेंट का कराया जाए, उसके बाद हम लोगों का होगा, तो जब ये लोग कर रहे थे ना तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा था, और जब हमारी टर्न आएगी ना तो हम लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे इस वाले म्यूज़िक को, तो इतना मज़ा आ रहा था ना कि कुछ कहना ही नहीं। और अब आप सोचोगे कि विनर कौन कौन हुआ, तो विनर तो मैं और ये हम दोनों ही कपल हो गए थे, क्यों, क्योंकि हम दोनों लेडीज़ में मुझे विनर मतलब रिवॉर्ड मिला और जेंट्स में इनको,
इतना मज़ा आ रहा था ना। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्टी कब होती है। और सब लोगों ने बहुत इन्जॉय करा, जितनी भी फैमिलीज थी इतना मतलब खुल के इन्जॉय किया था ना। और रात को बहुत लेट भी हो गया था, लेकिन किसी को कोई टेंशन नहीं थी कि हाँ मॉर्निंग में बैंक जाना है या फिर स्कूलिंग है बच्चों की, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑफ डे में ना बहुत अच्छा रिलैक्स होकर इंसान इन्जॉय कर लेता है। तो यहाँ पर सब लोग ना सरप्राइज थे कि क्या करना है कैसे करना है। तो यहाँ पर एक हमारे मतलब कलीग्स हैं इनके, तो वही सब बता रहे थे कि किस तरह से सबको ट्राई करना है। तो कांच के गिलासेस का तो ना ये था कि हाँ अगर गिलासेस टूटे ना तो पूरे 6 के 6 मतलब सेट ख़राब हो जाएगा। तो हमने कहा ग्लासेस नहीं लेने हैं हम लोग ना, डिस्पोजेबल ये थे मतलब कॉफ़ी के कप, तो उसको ले लिया था। अब यहाँ देखिए सब वो लोग ना सारे के सारे रिहर्सल ना यहाँ कर रहे हैं। रिहर्सल करने में लगे हुए कि पहले ट्राई कर ले कैसे करना है क्या करना है। और उसके बाद और बहुत सारे लोगों ने ट्राई करा, और फिर भी ना लास्ट में ना सब लोग अपना वेल ट्राइड उन्होंने दिया था। लेकिन क्या होता है ना, गड़बड़ तो हो ही जाती है क्योंकि पहले से हम थोड़ा सा प्रैक्टिस थोड़ी करके आते हैं। और अचानक से ये ट्रेंड वाला सॉन्ग हम लोगों ने कहा कि आप पहले जेंट्स लोग मतलब परफॉर्म करेंगे, फिर हम लोग करके देखेंगे कैसा होने वाला है। तो सब लोगों ने बहुत इन्जॉय करा। और ये जो भैया आगे देख रहे हैं ना फर्स्ट नंबर पे, इन्होंने तो फुल टुल इन्जॉय किया है, बहुत अच्छे भैया हैं। और होना भी चाहिए भाई, अगर आप साथ में हो ना तो इन्जॉय करना चाहिए। ये नहीं है कि आप नॉर्मली बैठ जाओ इन्जॉय मत करो, ऐसा नहीं। तब अच्छा लगता है जब सब लोग एक जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ जेंट्स डिपार्टमेंट को देख रहे हो आप, सब लोग अपने सर पर डिस्पोजेबल कप रख कर डांस कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी का गिर जा रहा है। तो और कुछ कुछ लोग तो एक दूसरे का गिराने में भी लगे हैं, और कुछ कुछ की चीटिंग इतनी है दोबारा से रख के डांस कर रहे हैं। तो इतना मज़ा आ रहा था ना, बहुत मज़ा आ रहा था। तो जेंट्स के टाइम पर आप देख रहे थे हम लोग बड़े मस्ती खोरी कर रहे थे, और अब हमारी टर्न आ गई ना तो हम लोगों की हवा टाइट हो गई है। हम लोग सोच रहे हैं कि अरे अब हमारी टर्न है, अब देखते हैं क्या होगा। अब मैदान में तो हम सब उतर गए हैं, तो साड़ी वगैरह साड़ी टाइप वाले तो हम 2 ही लोग थे, बाकी 3 लोग थे, और 3 लोग ही सूट टाइप वाले थे। तो अब देखते कौन कितना कर पाता है, कौन कितना पानी में है, सब पता चल जाएगा। तो ये हम लोग भी ना एक तरह से पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन सॉन्ग चल गया तो हमने कहा भैया अब तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा भी यहाँ पर गिर गया था। और फिर अभी हमारी ना एक फ्रेंड मतलब थी नहीं, वो गई हुई थी कहीं पे, कुछ उनका कॉल वगैरह आ गया था वहाँ गई थी। तो बस अब वो आने वाली है, तो हमने कहा अब उनके साथ, ये जो हमारे आ गई हैं वो साथ में, तो अब हम उनके साथ मेन वाला ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन कितना जीत पाता है क्या करते हैं। तो वही सब रील वगैरह हम लोग ट्राई कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम पास हुआ। और इतना जल्दी टाइम भाग जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर जैसे तैसे साड़ी में, एक तो साड़ी में चलना इतना कम पॉसिबल होता है, ऊपर से ये मतलब डांस करना तो इम्पॉसिबल वाला था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मटक चटक के हम लोगों ने पूरा कर लिया। और हाँ यहाँ देखो मैं विनर भी हो गई जी, अपने आप ही। जो कहते हैं ना ज़्यादा डरो तो फिर ज़रूरी नहीं कि डर के आके जीत होती है, ऐसा वाला फील हो गया था। और यहाँ पर देखिए सब लोग कितना इन्जॉय। तो यहाँ पे सारे मतलब सब लोग बैठ गए थे, और सब लोग कह रहे थे अब बच्चों का परफॉर्म होगा क्या कैसे, तो सब वही सब डिसाइड कर रहे थे। न्यू ईयर पार्टी कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या क्या मैनेजमेंट रहेगा, यही सब बातें चल रही थी। और यहाँ बच्चों का डांस वांस भी होने लगा। मूड में बैठे हैं सारे भैया। Thank you.
पसंद दिलाए दे रहे लाओ गीता गीता है लेकिन गानो आओ गाओ गाओ गीता की हमारा अच्छी कसम दिलाए दे रहे दो चार का गुड बाय आ जाओ भाई मेरे वीडियो में भी यार से वो पिक नहीं हुई नहीं ये बुला लो क्या चीज है ये बुला लो सबको पिक हो जाए ना तो अभी पिक ही नहीं सब लोग गुड बाय बोल रहे हैं न्यू ईयर में फिर से मिलेंगे कौन कौन मिल रहे हैं गुड बाय आप ऊपर हो अब मैं